पड़ोसी की मदद। अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं से हम अनेक अच्छी बातें सीख सकते हैं। मैडम रिनी अपनी कक्षा में बच्चों को यह शिक्षाप्रद कहानी सुना रही हैं। आइए हम भी सुने। एक दिन मैडम रिनी कक्षा में आईं और बोली, बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। चिया एक नीम के पेड़ पर अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन बहुत जोर की हवा चली, सभी पेड़ कांपने लगे। चिया की पड़ोसी मैना चिया के पास आई। उसने कहा, ओ चिया, मेरा घोंसला गिर गया है, कृपया मेरी मदद करो। चिया ने देखा कि मैना के बच्चे एक पेड़ की कांपती हुई टहनी पर बैठे थे। चिया ने बच्चों को घोंसले के अंदर बुला लिया। वहाँ बहुत कम जगह थी, इसलिए मैना और चिया रात भर पेड़ की टहनी पर बैठे रहे। सुबह के समय हवा शांत हुई। चिया उड़कर गई और चारों बच्चों के लिए आम ले आई। उसने बच्चों को आम खिलाया। मैना ने पूरे दिन घोंसला बनाने का काम किया। उसके बच्चे चिया के घोंसले में सुरक्षित थे। मैडम रिनी ने कहानी सुनाकर पूछा, बताओ बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, हमें अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए।